सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे दहेज का सामान खरीदा जा रहा था, ये वाला सामान भी रखो। आज तुम्हारी शादी है तो कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं जो कमरे में दिल उदास किए बैठी थी, अपनी बहन की आवाज़ पर उकता कर उसे देखा, जो सिर्फ ना मुझसे बड़ी थी बल्कि शादीशुदा थी और अपने पूरे ससुराल वालों के साथ मेरी शादी में आई हुई थी। आज मेरी शादी थी। मेरा पति बहुत हैंडसम और बहुत ही खुश मिजाज और बातूनी आदमी था, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ना ही मुझ में वह जोश था जो हर उस लड़की में होता है जिस लड़की की शादी होने वाली हो। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि मेरी शादी गांव में हो रही थी। मेरी हमेशा से मेरे दिल की तमन्ना थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर से हो जाए, जहाँ पर हर तरह की सुविधा हो। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी कि मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उनका रिश्ता मिल भी गया। वे लोग रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गए। लड़के का नाम रोहन था, जो अच्छा खासा खूबसूरत और प्यारा था, खाते पीते घर से था, हंसी मजाक भी करने वाला था, अच्छा लग रहा था। वह गांव से था, उनकी अपनी ढेर सारी ज़मीनें भी काफ़ी थी जिन्हें वे अपने भाइयों के साथ मिलकर संभाला करते थे। मम्मी पापा और भाइयों को वह लड़का उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे थे। तभी देखभाल कर मेरा रिश्ता रोहन के साथ तय कर दिया गया था और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया था, ना ही मैंने रोहन को देखा था। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक सिर्फ मेरे माँ बाप को ही था। एक दफ़ा उन्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं उन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी ही नहीं करनी, मगर मेरे कहने की नौबत ही नहीं आई। मम्मी पापा रोहन के घर वालों को जुबान दे चुके थे, अब अपनी जुबान से पलट नहीं सकते थे, जिस पर मैं भी चुप करके रह गई थी। और आज सारी तैयारियाँ पूरी करने के बाद मेरी रोहन से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई हुई थी और वहाँ से सीधा हम बैंक्वेट हॉल पहुँच गए थे। फिर बारात के बाद मेरी शादी संपन्न होनी थी। खाने पीने में भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया था। फिर मैं विदा होकर रोहन के घर उसके गांव में आ गई थी, लेकिन मैंने अब तक रोहन को देखा तक नहीं था वह कैसा है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था जिससे उसका ज़रा सा भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था, रोहन काफ़ी प्यारा है और हैंडसम है और उसकी जोड़ी चांद सूरत की जोड़ी है। दिल से भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी और अपने दिल के शक को मिटा रही थी। बहुत सारे उमंगे लेकर रोहन के साथ विदा होकर अपने ससुराल आई थी, जहां आते ही बैंक्वेट हॉल में मुझे बिठाकर मेरी और रोहन के साथ काफ़ी सारे रस्में भी की गई थी और उन रस्मों को पूरा होते होते भी रात के 11 बज गए थे। रस्में ख़त्म हो रही थी, रोहन उठकर अलग अपने दोस्तों के साथ चला गया, जबकि मेरी सास और बाकी सब मुझको रोहन के कमरे में ले गए, जहाँ दुल्हन का कमरा काफ़ी सजा हुआ था। मेरे बेड पर बैठते ही मेरी जेठानी देवरानी नंदे मेरी तारीफें करने लगी, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का सी रह गई, उनकी तरफ देखती रह गई कि जो सुना वही सही है या फिर मेरे कानों का धोखा है, या फिर यूं ही मेरे कानों ने सुन लिया है, या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैं हैरानी से पूरी आंखें खोलकर अपनी सास को देखती रह गई थी, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास में मेरी देवरानियां और जेठानी और शादीशुदा नंदे भी खड़ी थी, जो बड़े आराम से खड़ी थी। मेरे इस तरह घबराने पर वो मुझे देख रही थी। क्या क्या बोला है वे सुन लिया ना? तुम्हें अपने पति का चेहरा नहीं देखना है और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं देखना जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर उससे पहले उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखना। अगर तुमने अपने पति का चेहरा देख लिया, वह भी एक बच्चे को जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। ये सुनकर जितना मैं हैरान थी उससे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति के साथ रहती और उसे देखती ना? जानबूझकर भी देखती तो जब मेरे पति मेरे साथ सुहागरात मनाते और मुझे प्यार करते तो मेरी नज़र पड़ सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। फिक्र मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे, मेरी जिठानी ने कहा। शायद उन्होंने मेरे चेहरे को भांप लिया था कि मैं क्या सोच रही थी। तभी उसने यूं कहा कि मेरे बिगड़ते हुए चेहरे को पढ़ने लगी थी मेरी सास और बाकी सब के जाने के बाद। मैं यही सब सोचती बैठ के किनारे पर करवट बदल रही थी, मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी हो बैठी थी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा अच्छा ही होगा। मैं भी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं भी तुम्हारी तरह बहुत घबराई हुई थी।
लेकिन भगवान की कृपा थी कि जल्दी ही मेरी बेटी सोनी पैदा हो गई, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। मेरी जेठानी ने अपनी बड़ी बेटी का मुझे बताया और कहा, मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि पति को बिन देखे बात कैसे करूंगी। फिक्र तो इस बात की है, अगर मैं बहुत दिनों के बाद, यानी कि 2 साल बीत जाने के बाद प्रेग्नेंट हुई तो फिर? मैंने सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा, फिर यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई, बुरा मत सोचो, सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा, तुम सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो। चुप करके आंखें बंद करके एक बार फिर से बेड के किनारे पर टेक लगाकर बैठ गई। मेरी शादी उस गांव में हो गई थी जिसके रस्म और रिवाज ही मुझे कुछ अजीब लगते थे, जो मेरी समझ से बाहर थे। यहाँ के रस्म और रिवाज बाकी जगह से बिल्कुल अलग थे, जिसको सुनकर ही मेरा सर चकरा रहा था। और मेरी सास ने बताया था ये भी गांव का रिवाज था, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए पत्नी अपने पति को नहीं देख सकती। मुझे भी ऐसा ही करने को कहा गया था, लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाली थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो उनके ऐसे जाहिल रस्मों और रिवाज को मैं नहीं मानने वाली थी, नहीं यकीन करने वाली थी। ऐसी बातें मैंने शहर में कभी नहीं सुनी थी जो यहाँ पर मुझे सुनने को मिल रहा था, लेकिन मैं ऐसे रस्मों को बिल्कुल नहीं मानती थी और ना ही उन पर बिल्कुल कान धरने वाली थी। अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा पति था, जिस पर मैंने अपना दम साध लिया। सभी घर वालों से मैंने रोहन की बेहद तारीफें सुनी थी, मगर अब मैं नर्वस हो रही थी और वह मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहरा रहा था जो मेरी सास मुझसे कहकर गई थी। लेकिन मैंने जल्दी ही अपनी सास और पति की बातों को भूलकर अपने पति रोहन का चेहरा देख लिया था, जिसे मैंने वैसा ही पाया था जैसा सबसे सुना था। और अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सब ने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैंने रस्म के हिसाब से अपने पति का चेहरा नहीं देखा, जिस पर सब खुश हो गए थे और मुझे इस बात पर अड़े रहना था। मैंने भी हामी भर ली थी, लेकिन मैं किसी को भी ये बात जानने नहीं दे सकती थी कि मैंने रात को छुपकर पति की शक्ल देखती हूँ। कभी कभी मुझे घबराहट और डर भी महसूस होता था, कहीं मेरी औलाद के ऊपर कोई असर ना हो, मगर मैं ये सोचकर तसल्ली में हो जाती थी, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, इंसानों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है। मेरी ज़िंदगी उन सब झंझटों और फालतू बातों से बेखबर थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से थी। मैं इकलौती बहन थी और मेरे 3 भाई थे, हम चारों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई थी तीनों भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी और वे लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश थे। मेरे पापा भी पढ़े लिखे थे, तभी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से कट रही थी। पापा का अपना कपड़ों का बिजनेस था जो मेरे पापा और मेरे 3 भाई मिलकर संभालते थे। भाभियों का नेचर भी बहुत अच्छा था, जो मुझे बहनों की तरह प्यार करती थी। हमने कभी भी उन लोगों को किसी तरह की ऐसी कोई रस्म रिवाज नहीं बनाया था, ना ही कभी खुद ऐसी रस्मों का हिस्सा बनने दिया था। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना चाहती थी, जबकि मैंने पार्लर का पूरा कोर्स कर लिया था, तभी मैंने अपना पार्लर भी खोलना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही मेरी शादी तय कर दी गई और मेरी सारी ख्वाहिशें और ख्वाबों पर पानी फिर गया था, जिसकी वजह से मैं आज इस गांव में बैठी थी। शादीशुदा होकर भी ऐसी फालतू रस्मों का हिस्सा बनकर बैठ गई थी जिन पर मेरा दिल बहुत कुड़ता था, लेकिन मैं तसल्ली में थी क्योंकि मैं ऐसे रस्म रिवाज को नहीं मानना चाहती थी। और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी कि मैं बेहोश हो गई। घर वाले और मेरा पति मुझे गांव के इकलौते क्लिनिक में ले गए, जहां जाकर मेरा सारा चेकअप किया गया था। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे आसपास जमा थे। मुझे सबको अपने आसपास देखकर बेहद घबराहट हो रही थी, लेकिन जब सबके चमकते और खुशी भरे चेहरे को देखा तो कुछ उलझन भी हुई। वहाँ सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चहक रहे थे, वहाँ सब मौजूद थे सिवाय मेरे पति के, और उसकी वजह मुझे पहले से ही मालूम थी कि जब तक मैं बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वह मेरे सामने अपना चेहरा लेकर ना आते, ताकि मैं देख ना लूँ। जबकि वह सब अनजान थे कि मैंने रोहन को शादी के रात ही देख लिया था। मैंने ये सब सोचकर अपना सर झटका ही था कि मेरी सास मेरे पास आई और मेरा माथा चूमकर मेरी नज़र उतारने लगी, फिर मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, सदा सुहागन और खुश रहो। सास की बात सुनकर पहले मैं बहुत उलझी, मगर जब दिमाग में घुसी तो खुशी से मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं दिल ही दिल में भगवान की कृपा करने लगी थी, अब जल्दी ही मैं इस बच्चे को जन्म दे दूंगी, जिसके बाद मेरे पति को मुझसे अपना चेहरा छुपाना नहीं पड़ेगा। मैं ये खुशी अपने पति के साथ बांटना चाहती थी, मगर वो यहाँ नहीं थे, क्योंकि हमारे बीच ऐसी घटिया रस्में आ गई थी।
अस्पताल से मेरे ससुराल वाले मुझे घर ले आए और फिर खुशी से मिठाइयाँ बांटी गई। रात को जब मैंने आंखें मूंद कर लेटी थी तब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोता हुआ समझकर मुझे प्यार देने लगा और फिर सो गया था। मैंने इतने में ही खुश थी, अब मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था। मेरा पति बहुत ही धार्मिक इंसान था, वह पूजा पाठ एक भी नहीं छोड़ता था। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अब छुप कर पति को रात को देखती थी जो भगवान के दरबार में भगवान से माफ़ी मांगता रहता था और कहता था मैंने यह औलाद की लालच में किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि रोहन ऐसा क्यों कहता है, और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी बल्कि वह रोज़ ही ऐसा करता था। वह क्यों ऐसा करता था इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि ऐसा तब से शुरू हुआ था जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही वह यूँ रो कर भगवान से माफ़ियाँ मांगता था, बल्कि ये सब मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद से ही शुरू हुआ था। मुझे अब डर लगने लगा था, कहीं मेरे पति को पता तो नहीं लग गया है कि मैंने उसे चुपके से देख लिया है, और अब से नहीं बल्कि शादी के रात से ही कहीं मेरा बच्चा मेरी सास के कहे गए बातों के हिसाब से पैदा ना हो जाए। मैं अब बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी, मुझे हमेशा से ऐसी बातें बहुत ख़राब लगती थी जिन्हें मैं यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर महसूस होने लगा था कहीं मेरे साथ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, मेरा बच्चा जैसे सास ने बोला था वैसा ना हो जाए। मैं डर गई थी और हर वक्त डर में रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था आगे से उसने भी मुझसे सवाल कर लिया, तुम्हें मना करने के बाद भी मुझे क्यों देखा, तो मैं आगे से क्या जवाब दूंगी। बस यही सब सोचकर मैं चुप थी। वक्त यूं ही बीतने के साथ साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सोच आने लगी थी जिनको मैं चाह कर भी झटक नहीं पाती थी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा था, लेकिन मेरे पति का यह रोज़ की आदत बन गया था। अब मेरी परेशानी कोई हद नहीं थी और मैं पहले से भी ज़्यादा चुप हो गई थी, लेकिन मैंने किसी को भी अभी तक पता नहीं लगने दिया था कि मैंने बच्चे की पैदाइश से पहले ही मैंने उनकी रस्मों को तोड़ चुकी हूँ, अपने पति का चेहरा देख चुकी हूँ। उस दिन नॉर्मल सा दिन था, मैं आज जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं आज काफ़ी थक चुकी थी, मेरे आखिरी दिन भी चल रहे थे और डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए आजकल मेरे जिस्म में काफ़ी थकान होने लगे थे और जल्दी उसका शिकार भी हो जाती थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर बीते थे जब अचानक मेरी आवाज़ किसी के रोने की आवाज़ से खुली। मैंने दाएं तरफ गर्दन मोड़कर देखा तो रोहन के फेस से टकराई जो भगवान के दरबार में माफ़िया मांग रहा था। हमेशा की तरह आज भी यही कह रहा था कि मैंने अपने आने वाले औलाद के लिए ये सब किया है। उसे नहीं पता था कि मैं जाग गई हूँ, आज मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और आज मैं यूँ ही नहीं सोने वाली थी। तभी मैंने एक झटके से उठकर बैठ गई और चीख कर कहा, ऐसा क्या कर दिया है आपने जो यूं रो रो कर भगवान से माफ़िया मांग रहे थे। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर रोहन मेरी तरफ़ देखा, लेकिन मैंने अपने निगाहों को पलट चुकी थी ताकि उससे यही लगे कि मैंने उसे नहीं देखा। कुछ नहीं, मैं बस यूं ही भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुम सो जाओ, रोहन नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर लेट गया और करवट बदल कर सो गया। मगर कल भी उसकी रोने की आवाज़ सुनी थी। ऐसा क्या हुआ है आपने जो भगवान से माफ़िया मांगते रहते हो? मैं शक के मारे चुप नहीं हो पा रही थी। रोहन ने कहा, कुछ नहीं। फिर बहस किस बात की है, चुपचाप सो जाओ, रोहन ने अब की बार मुझे डांटा था, नींद खराब करके अब सो जाओ। मैं गुस्से से बड़बड़ा कर खिड़की के पास खड़ी होकर काफ़ी देर तक ताज़ा हवा खा रही थी, उस सब के बारे में सोचने लगी। जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर जाकर अपनी जगह पर लेट गई, जल्दी ही नींद की लपेट में आ गई थी। उस रात के बाद से मैंने रोहन से कुछ भी पूछना छोड़ दिया था और अब एक आम सा दिन था, मेरा नवा महीना शुरू हो गया था। 15 दिन भी बीत चुके थे जब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। सब लोग मुझे लेकर गांव के अस्पताल की तरफ बढ़ गए थे, मेरी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था, मुझे जल्दी से डिलीवरी के लिए ले जाया गया था। और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स मेरे बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई, मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी तबीयत पहले से अच्छी थी, सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन सब के चेहरों के असर कुछ अजीब से दिख रहे थे, जैसे वे खुश ना हों, और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मगर नर्स ने अभी तक बच्चा मुझे नहीं दिया था, सब लोग बच्चे से मिल चुके थे लेकिन कोई भी मुझे बता नहीं रहा था वह कैसा है। सभी घर वालों के मेरी तरफ से हाव भाव भी बदल गए थे, कोई मुझसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था, सभी घर वालों के चेहरे गुस्से में दिख रहे थे। जब सभी घर वालों के बाहर निकल जाने के बाद मैंने नर्स से अपने बच्चे के बारे में पूछा और नर्स को अपने बच्चे को मेरे पास लाने को कहा,
जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और समझ गई कि पति को किस चीज़ की श्राप लगी है। और मुझे पता चल गया कि पति किस चीज़ की माफ़िया मांगता था, क्योंकि औलाद के लिए उसने किसी गरीब पर जुल्म किया होगा, तभी उसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था, बल्कि एक स्पेशल चाइल्ड था, जिसकी आंखें खराब थी और चेहरा किसी जानवर की तरह था और उसके हाथ पैर इंसान की तरह था। उसे देखकर मेरे दिल को धक्का सा लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरे पति के द्वारा किए गए पाप की सज़ा मुझे क्यों मिल रही थी? हर बार चेकअप करवाने के बाद मेरी डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल अच्छी है और ये बच्चा लड़का होगा। ऐसा ही था, मेरा लड़का पैदा हुआ था, मगर ये बच्चा नॉर्मल नहीं था। मैंने बच्चे को गोद में लिए बिना ही मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुझे लग रहा था ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, ना ही मैं अपनी सास के खिलाफ जाती और ना ही उनकी रिवाज तोड़ती, ना शादी के रात को लेकर आज तक अपने पति का चेहरा देखती, ना ही मेरा बच्चा इस तरीके का पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे पति के द्वारा किए गए पाप की सज़ा मिल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर यकीन करूं। नर्स मुझे रोता हुआ देखकर तसल्लियां दिलाने लगी थी, उस बच्चे को मेरे पल्लू में डालकर चली गई, तो मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब मुझे अपने ससुराल वालों की अजीब व्यवहार किए गए और उनकी रस्म रिवाज की समझ आ रही थी। यकीनन इसी वजह से मुझसे ये लोग गुस्सा थे, मगर इस सब में मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने सब कुछ किया था। मेरा पति रोहन एक बार फिर मेरे सामने नहीं आया था, ना ही बच्चे से मिला था। शायद उसे पता चल चुका था कि हमारे घर एक नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तभी वो एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी के बाद मुझे बच्चे के समेत घर लाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ बहुत अलग था और फीका था। जबकि सास और जेठानी ने दबे शब्दों में ये भी ताना मार दिया था, ये सब जरूर इसी वजह से हुआ होगा कि उसने चुपके से अपने पति को देख लिया होगा, जबकि उसे मना भी किया गया था अपने पति को ना देखे जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। और अब मुझे भी यही लगने लगा था, जिस पर मैं अब खुद को कोसने लगी थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती जा रही थी, अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी बचा नहीं था। घर आने के बाद मैं अपने बच्चे को देखभाल में बिजी हो गई थी, जैसा भी था मगर मेरा ही खून था, मुझे उसकी बहुत फिक्र थी। रोहन एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर मुझे यही लगने लगा था कि उसे भी शायद मैं ही गलत लग रही थी। मेरे मायके वाले भी घर आ चुके थे, मुझे ढेरों दिलासे देकर गए थे। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वे हर टाइम मेरे साथ खड़े हो गए थे। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती, मैंने बस उनको एक कॉल कर देती, वे आ जाया करते थे। बच्चे की पैदाइश को 2 हफ्ते बीत चुके थे, जिसे रोहन ने आकर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। ये दूसरे हफ्ते की आखिरी दिन की शाम थी, जब रोहन अचानक चला आया और कमरे में आकर बेटे से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश ना की, ताकि उसके दिल का गुब्बार बिल्कुल हल्का हो जाए। काफ़ी देर के बाद वह खुद ही चुप हो गया था। रोहन काफ़ी देर सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी, मगर वह बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे द्वारा किए गए पाप की सज़ा हमारे बेटे को मिल गई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने भगवान से माफ़ी भी मांगा था, मगर शायद भगवान ने मुझे माफ़ नहीं किया, तभी मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हो गई है। रोहन कैसा पाप? मैंने बिल्कुल अचंभों से पूछा था। मेरे इस तरह पूछने पर रोहन चुप हो गया था और सर झुका लिया। मुझे लगा शायद मुझसे कुछ बताना नहीं चाहता, तभी चुप हो गया होगा। उसे चुप देखकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी, जब उसकी आवाज़ मेरे कानों को झकझोड़ दिया। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे धीमे शब्द में कुछ बोल रहा था। वह अपने द्वारा किए गए किसी पाप की माफ़ी मांग रहा था। रोहन बोला, शादी की रात मम्मी ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना देखने दूं, नहीं तो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा। उससे पहले भी मैंने भाभी भाई के टाइम पर यह सब सुन रखा था, मगर उन सबको मैं नहीं मानता था और इन सब रस्म रिवाज को ऐसी घटिया बातें समझता था। मैं रात को कमरे में यही सोचकर आया था कि कोई रिस्क नहीं लूँगा, बल्कि जो माँ ने कहा वही करूँगा। लेकिन रात को मैं जान गया था कि मेरी पत्नी यानी कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और तुम्हारी तरह खुद भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दे दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमारा वहम है।
और कुछ नहीं, यही सब सोचकर मैं तसल्ली में था। तुम रोज रात को मुझे देखती हो, ये बात अच्छे से जानता था, और मैंने किसी और को भी ना बताया इस बारे में, और मैं किसी और को बताना भी नहीं चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम मुझे बेहद पसंद थी, और मैं तुम्हारे साथ पूरे तसल्ली और आराम से ज़िंदगी बिताना चाहता था। लेकिन जो कुछ टाइम बीत गया था, मेरी बेचैनी भी बढ़ती गई। मैंने खुद को बेशक तसल्ली भी दे दी थी, लेकिन मेरी लापरवाही ने कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी, कहीं तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो इसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे पर कोई आंच ना आ जाए। इसी शक में पड़ गया था जब मुझे एक बाबा हाथ देखने वाला मिल गया। इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के कहने पर अपना हाथ चेक करवाया तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं, वह भी औलाद के लिए हो सकता है, क्या पता मेरा बच्चा नॉर्मल ना हो। मैं बेहद डर गया था और मुझे उस रस्म के तोड़े जाने का बहुत खौफ था। अब मुझे लगने लगा था कि बच्चे का जन्म होने से पहले पति का चेहरा देख लेने से औलाद नॉर्मल पैदा नहीं होती। मैंने उसके हाथ देखने के बात पर यकीन कर लिया, और फिर मैंने उसी हाथ देखने वाले बाबा से अपनी समस्याओं से बचने के लिए तोड़ पूछने लगा, जिस पर उस हाथ देखने वाले बाबा ने ये तरीका बताया जिसने मेरी औलाद पर आँच ना आए और उससे बच सकते हैं। इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं करता था और अच्छी तरह जानता था ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, एक इंसान इन सब मामले में बेबस होता है। लेकिन इस टाइम मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरा ये समस्या हल हो जाए। उस हाथ देखने वाले बाबा ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा लेकर आऊँ जो कि बिल्कुल लाचार हो, कोई हाथ पैर टूटा हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, इस बच्चे को उस बाबा के हवाले कर दूं। मैं बेहद शक में पड़ गया था और उससे पूछा कि वह उस बच्चे का क्या करेगा, जिस पर उसने बताया कि उस बच्चे की वह अपने पास ही रखेगा, उसकी परवरिश करेगा, और उस बच्चे की परवरिश करने से ही भगवान मेरे आने वाली मुसीबत को कम करेगा। मुझे कुछ तो समझ नहीं आई, मगर मैं उसकी बात मान गया। उस टाइम मुझे अपना बच्चा, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, और मुझे अपना सही सलामत बच्चा चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दिनों के अंदर अंदर ही एक लावारिस बच्चा और बिल्कुल हाथ पैरों से लाचार उसे लाकर दे दिया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वह बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहाँ पर वह रहता था। कुछ दिनों के बाद उस हाथ देखने वाले बाबा से मिलने गया। उसने अपना ठिकाना बदल लिया था, आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछा और उसका पता लगाया और उसके ठिकाने पर पहुंच गया। लेकिन जो ही मैं वहां पहुंचा, वहां से पुलिस एम्बुलेंस लेकर बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास के लोगों का बेहद भीड़ लगा हुआ था। वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ से एक लावारिस बच्चा मिला है जिसे जान से मार दिया गया है, उसके जिस्म के हिस्से निकाल लिए गए हैं। ये सब किसी ऐसे गिरोह ने किया है जो ऐसी चीज़ों की खरीद बिक्री करता है। मेरी आंखों के सामने वह हाथ देखने वाले बाबा का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब किया था। मुझे खुद से अब नफरत होने लगी थी, अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कर डाला था। मैं सीधा पुलिस के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि इस घर में जो रहता है उसको मैंने देखा हुआ है। यूं मैंने उस हाथ देखने वाले बाबा का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे ढूंढ सके। तभी तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं खुश था मगर दुखी भी, कहीं ये सब मैंने गलती की है, मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। जो कुछ मैंने किया अपनी औलाद के लिए किया था, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने किए पर शर्मिंदा था, तभी रो रो कर भगवान से माफिया मांगता था, लेकिन भगवान को शायद मेरी माफ़ी स्वीकार नहीं थी। तभी मुझे ऐसे स्पेशल बच्चा औलाद के रूप में मेरी झोली में डाल दिया। सब तुम्हें गलत समझते हैं, जबकि सबका कारण तो मैं था। तुमने बच्चा पैदा करने से पहले मेरा चेहरा देख रखा था, जबकि मुझे लगता है ये सब मेरे किए की सजा है। ये सब रस्म और रिवाज बस एक वहम की बातें हैं जो इंसानों ने खुद ही रचाई होती है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, सिर्फ भगवान जानता है, कोई नहीं जान सकता। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मैंने अपने पति को सब कुछ भुला कर जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा। इस बात को एक हफ्ता बीत चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई थी, हम हॉस्पिटल उसे चेकअप करवाने गए थे ताकि अपना खून दे सकें, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी हस्ती भुला दी। खून का टेस्ट करवाते टाइम बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया, ये हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था ये बच्चा हमारा नहीं था। मेरे ससुराल वाले ने अस्पताल में बवाल मचा दिया, उनके साथ धोखा हुआ है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को बुलाकर उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट बनाई गई। फिर बारी बारी सब माँ बाप को बच्चे समेत बुलाया गया जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे। कंफर्म
कल 8 बजे तक 14 बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया गया और हमारे डीएनए से मैच कराए गए और सबको सारी रिपोर्ट दिखाया गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरा सेहतमंद था उसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच हो गया था। और फिर हमारे पास जो एक स्पेशल बच्चा था उसका डीएनए एक बाकी पेरेंट्स के साथ मैच करके देखा गया तो उसी पेरेंट से मैच हुआ जिनके पास हमारा बच्चा था। यानी नर्स की लापरवाही से बच्चा बदल गया था। उस स्पेशल बच्चे के माँ बाप ने अस्पताल वालों को झूठा कहकर हमारा बच्चा ले जाना चाहा मगर हम लोग उन्हें शहर उनकी मर्जी के अस्पताल ले गए जहाँ डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात साबित हो गई थी कि उनके पास हमारा बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना स्पेशल बच्चा ले गए। हम खुशी खुशी घर आ गए। मेरी इज्जत ससुराल में बढ़ गई और उसके साथ ही हमें ये भी समझ आ गई थी कि रस्म और रिवाज झूठे होते हैं और जो इन्हें मानता है वो बेवकूफ़ होता है। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। ये भी भगवान की मर्जी थी। भगवान को रोहन की पश्चाताप पसंद आ गई थी जो उसने हमें इतनी बड़ी परीक्षाओं से पास करवा दिया था। आज मैं अपने तीनों बच्चों और रोहन के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रही हूँ जिसमें किसी तरह का कोई रस्म रिवाज शामिल नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।